Hey, this is Ashwin Patel. Welcome back to the world of stories. आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बेहतरीन सिंगर की कहानी। वैसे किसकी बात हो रही है ये आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया है। जी हाँ, आज का वीडियो है जुबिन गर्ग के ऊपर, जिन्हें भारत के उत्तर पूर्व का राजकुमार कहा जाता है। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का इतना आगे कैसे पहुंचा, ये सबको जानना चाहिए कि नहीं, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि नहीं। जो लोग आज पहली बार यहाँ पर आए हैं हमारे चैनल पर जैसटैग के ऊपर, उनमें बता दूँ कि हम लोग यहाँ पर अमेजिंग स्टोरीज कवर करते हैं, हर तरीके की स्टोरीज, लाइक बायोग्राफीज, रोमांटिक स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, थ्रिलर, मोरल स्टोरीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज, रियल इंसिडेंट्स वगैरह वगैरह। तो अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद है, कहानियां आपको पसंद है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। शुरू करते हैं आज की बातें। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1971 में मेघालय के तुरा में हुआ था। जोरहाट असम से ताल्लुक रखने वाले जुबिन का बचपन का नाम है जीवान बोर ठाकुर। पिता मोहिनीपुर ठाकुर पैसे से मजिस्ट्रेट थे, साथ ही एक मशहूर कवि और स्टोरी राइटर भी थे। माता की बात करें तो वो एक नर्तकी, अदाकारा और गायक भी थी। ऐसे कला प्रेमी युगल की संतान है जुबिन, तो उनका भी किसी कला के प्रति लगाव होना बड़ी सीधी सी बात है। उनके माता पिता उनके म्यूजिक के लगाव की सबसे बड़ी वजह रही है, खास करके उनकी माता। संगीत जगत में अपना नाम बनाने के पीछे माता जुबिन के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। संगीत के शुरुआती पाठ उन्होंने अपनी माँ से ही सीखे हैं। अपने जीवन का सबसे पहला गाना उन्होंने उनकी माँ से सीखा है। जैसे कि हमने आगे देखा कि उनके जो पिताजी है वो मजिस्ट्रेट थे, तो ये एक ऐसा जॉब है जहाँ पर बार बार ट्रांसफर होता रहता है, उनके तबादले होते रहते थे, इसकी वजह से बार बार अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था, शिफ्टिंग करना पड़ता था। तो इसी वजह से जुबिन को भी अलग अलग जगह पर जाना पड़ा, इसलिए उनकी स्कूल की पढ़ाई एक नहीं दो नहीं तीन मीडियम से हुई है। तीसरी कक्षा तक वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, 8, 9, 10 उन्होंने असमिया मीडियम में पढ़ाई की है, और इस दौरान बीच की पढ़ाई करीमगंज में हुए तबादले की वजह से बंगाली मीडियम में करनी पड़ी। तबादलों की वजह से जुबिन को नई नई जगहों पर जाने का, नए लोगों से मिलने का और साथ ही अलग अलग जगहों के लोक संगीत से रूबरू होने का भरपूर मौका मिला था। संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले जुबिन ने तबला बजाना सीखा था। गुरु रॉबिन बनर्जी ने उनको तबला वादन की शिक्षा दी थी। असमिया लोक संगीत उन्होंने गुरु रमानी रॉय से सीखा, जो खुद एक असमिया फोक आर्टिस्ट थे। छोटे थे तब से, तकरीबन 12 साल उन्होंने तबला बजाना सीखा। यार, स्कूल में क्रिकेट खेला करते थे दोस्तों के साथ, मारपीट झगड़ा बहुत ज्यादा किया करते थे। बहुत ही शरारती अंदाज होने की वजह से कई बार उनको स्कूल से बड़ी बड़ी पनिशमेंट मिलती थी, लेकिन अच्छा तबला बजाते थे, सिंगिंग में भी काफ़ी अच्छे होने की वजह से कई बार पनिशमेंट में से छुटकारा भी मिल जाता था। तबला के बाद उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया, जैसे कि कीबोर्ड है, गिटार, ड्रम, ढोल, मैंडोलिन वगैरह। उनकी गायकी का मुख्य रूप है लोक संगीत, शास्त्रीय नहीं। स्कूल के दौरान भी वो गाते थे, लेकिन गायकी की असली सही रूप में शुरुआत 12वीं कक्षा के बाद हुई। तब तक तो वो हमेशा एक म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना चाहते थे। वो साइंस के विद्यार्थी थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स उनके सब्जेक्ट थे, मगर ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि वो एक सिंगर बनना चाहते हैं, इसलिए उनका ध्यान ज़्यादातर सिंगिंग के ऊपर ही रहा है, संगीत के ऊपर ही रहा है। दोस्तों से पैसे उधार लेके उन्होंने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया था, वो देर रात तक वहीं पर रहते थे, रियाज करते थे, रात को 1-2 बजे घर पर जाते थे। अब जुबिन को उनका पैशन पता चल गया था, तो वो रात दिन सिर्फ म्यूजिक और सिंगिंग के बारे में ही सोचते थे, इतना मेहनत भी करते थे, लेकिन हुआ ये कि वो पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाते थे, एक्चुअली इंटरेस्ट भी नहीं रहा था। तो उन्होंने बीएससी आधा छोड़ दिया और पूरा फोकस अपने सपनों को पूरा करने के लिए म्यूजिक के ऊपर और सिंगिंग के ऊपर करने का फैसला किया, क्योंकि डेडिकेशन तो था ही, लेकिन उनको खुद पर भरोसा भी था कि वो इस फील्ड में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेंगे। और इसी भरोसे के साथ वो पूरी लगन से अपना सपना पूरा करने के लिए जुट गए। 1992 में उन्होंने एक लाइव परफॉर्मेंस दिया, जिसमें उन्होंने तबला बजा के खूब वाहवाही बटोरी। उसके बाद यंग जनरेशन में वो काफ़ी मशहूर होने लगे थे। इसके बाद उन्होंने अपने खुद के एल्बम निकालना शुरू कर दिया था। 1992 में उन्होंने अपना पहला एल्बम अनामिका रिलीज कर दिया था। सिंगर बनने का ख्वाब बुनने के साथ ही उन्होंने अपना नाम जीवान बोर ठाकुर से बदलकर जुबिन गर्ग रख लिया था। जुबिन मेहता उनके पसंदीदा संगीतकार थे, उन्हीं के नाम से उन्होंने अपना नाम जुबिन रखा था और गर्ग उनका कुल नाम है। तो शुरुआती समय में उन्होंने ज़्यादातर असमिया भाषा में ही गाने गाए थे, खुद को असम में अच्छे से एस्टेब्लिश कर लिया था, अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल दिया था। उसके बाद उन्होंने महानगरी मुंबई आकर अपने जीवन में और तरक्की करने का फैसला किया। मुंबई आने से पहले उन्होंने 15 साल में असमिया भाषा में 8 से 9 हज़ार गाने, बिल्कुल सही सुना, 8 से 9 हज़ार गाने गा लिए थे, और इसी वजह से उनको मुंबई में आर्थिक रूप से ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ा। इन सब के दौरान जब उनकी मंगनी तय हो गई थी, तो अचानक उनकी माँ की मृत्यु हुई। वो अपनी माँ के बहुत करीब थे, उनकी माँ उनकी गुरु थी, तो माँ की मौत से उनको बहुत ही बड़ा सदमा लगा था। और थोड़े दिन बाद ही उनकी बड़ी बहन, जो खुद एक एक्ट्रेस थी, एक सिंगर थी, उनका भी एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया।
ऐसी स्थिति में जुबिन पूरी तरीके से टूट गए थे। ऐसे हालातों से उभरने के लिए जुबिन को वक्त लगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। कुछ वक्त के बाद अपनी माँ का और अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने फिर से दिन रात मेहनत करना शुरू किया। पहला ब्रेक मिला, ब्रेक मिलने के बाद कई सारे हिंदी गाने गाए, लेकिन 2006 में फिल्म आई गैंगस्टर, उसमें उनका जो गाना था, प्रीतम दा ने मौका दिया था, गाने का नाम आपको याद होगा, या अली। इस गाने की रिलीज ने उनकी किस्मत की तस्वीर बदल दी थी। बहुत सारे अवार्ड जीते, लोकल सिंगिंग करने वाला, लोकल लैंग्वेजेस में गाने वाला लड़का देश भर में मशहूर हो गया था, सारे आयामों को पार कर दिया था, अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया था। आज भी वो गाना लोग गाते हैं, अपनी सफलता का पूरा श्रेय वो अपने माँ बाप को देते हैं, और मुश्किल वक्त में सहारा देने वाले मित्रों को भी वो दिल के बहुत करीब मानते हैं। मानते हैं कि कंसिस्टेंसी ही सफलता का मंत्र है, और उन्होंने ये साकार करके दिखाया है। तकलीफ़ें सबकी लाइफ में आती है, कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हमने सोचे नहीं है कब आ जाएंगे, लेकिन ऐसे टाइम पे खुद को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने करियर में उन्होंने असमिया, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयाली, भारत में बोली जाने वाली तकरीबन सभी भाषाओं में गाने गाए हैं और सभी को बखूबी न्याय दिया है। किशोर दा और नसीरुद्दीन शाह उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, और जुबिन ने कई फिल्म के अंदर अपना एक्टिंग का जलवा भी दिखाया है। जी बांग्ला के ऊपर जो रियलिटी शो आ रहा था सारेगामापा, उसमें वो जज भी रह चुके हैं। सिंगिंग और एक्टिंग के साथ साथ लिरिक्स, कंपोजिशन, प्रोडक्शन, डायरेक्शन के अंदर भी उन्होंने हाथ आजमाया, उसमें भी सफल रहे। जुबिन गर्ग उत्तर पूर्व भारत में जो फेमस है, उनका जो फैन फॉलोइंग है, उसके बारे में आपको क्या बताऊं? ऐसे ही नहीं, उनको लोग राजकुमार कहते हैं। जो लोग वहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और जो जुबिन के फैन हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि जुबिन गर्ग को राजकुमार क्यों कहा जाता है। देखो, सिंगर बहुत सारे हैं, स्टार्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो प्यार मिलता है उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस होते हैं। जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं है, और वो क्या क्या है और क्या उनका नेचर है, क्या इंसान वो है, कमेंट करके ज़रूर से बताना, ताकि हमारे व्यूअर्स देख पाए, उनको जान पाए। खास करके जो लोग असम से है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, कमेंट करके ज़रूर से बताना, आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर कुछ कहना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉलिंग कोड आपको मिल गया होगा डिस्क्रिप्शन में, जो नंबर दिया हुआ है आपको व्हाट्सअप नंबर, उसके ऊपर सेंड कीजिए। सबसे पहले जो दो लोग सेंड करेंगे उनको मैं कॉल करूंगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून, एंड कीप स्माइलिंग।